ओम शांति। आज का हमारा गुण है जिम्मेवारी, कर्तव्य अथवा उत्तरदायित्व। इसका अर्थ है कि जीवन में आने वाली किसी भी परिस्थिति का सामना करने में सक्षम होना। जिम्मेवारी ऐसी खाद की तरह है जो सफलता के पौधों को एक फलदार वृक्षों में बदल देती है। जिम्मेवारी एक अवसर है जो हमारी उन्नति का आधार है। याद रहे, आप सर्वश्रेष्ठ हैं उस कार्य को करने के लिए जो आपको सौंपा गया है, और इस कार्य के लिए आपका चयन किया गया है। कुछ लोग यह कहते हैं कि हमारे पास बहुत सारी जिम्मेवारियां हैं और वे परेशान होने लगते हैं। उन लोगों को यह समझ लेना चाहिए कि जिम्मेवारी उसी को ज्यादा मिलती है जो इसे सही से निभा सकता हो। जीवन में सफल होने के लिए हमें चार जिम्मेवारियां अवश्य निभानी चाहिए। पहला, स्वयं के प्रति जिम्मेवारी। दूसरा, अपने परिवार के प्रति जिम्मेवारी। तीसरा, समाज के प्रति। और चौथा, देश के प्रति हमारी जिम्मेवारी। स्वयं के प्रति हमारी जिम्मेवारी क्या है? जो भी हमने कर्म किए उसका परिणाम आने पर हम उसका सामना करते हुए सही प्रति उत्तर दें। यही स्व के प्रति हमारी जिम्मेवारी है। अपने विचारों, शब्दों और कर्मों को सदा सकारात्मक रखना, यह भी हमारी स्वयं के प्रति जिम्मेवारी है। हम अपने मूड के लिए स्वयं ही जिम्मेवार हैं। औरों के मूड, खुशी, समस्याओं की जवाबदारी हमारी नहीं है। दूसरों के जीवन में दखल करना हमारी जिम्मेवारी बिल्कुल नहीं है। परिवार के प्रति हमारी जिम्मेवारी। घर के मुखिया अथवा बड़ों, माता पिता जवाबदार होते हैं अपनी रचना के प्रति। अपनी रचना का भरण पोषण, लालन पालन, शिक्षा दीक्षा, उनका रहन सहन, खान पान और संस्कार आदि के प्रति अभिभावक जिम्मेवार होते हैं। याद रहे, बच्चे वे नहीं सीखते जो वो सुनते या पढ़ते हैं, वे सीखते हैं जो अपनी आंखों से देखते हैं। इन्हीं से उनके संस्कारों का रोपण होता है और वे समाज में अपना और अपने कुल का नाम चाहे तो ऊंचा करें या तो फिर नीचा कर सकते हैं। समाज के प्रति हमारी जिम्मेवारी है कि हम आस पड़ोस, घर, सब जगह को स्वच्छ रखें, सभी के साथ स्नेहपूर्ण व्यवहार करें, बड़ों छोटों का सम्मान करें, सबसे विनम्रता से व्यवहार करें, शिष्टाचार को अपनाएं और भाईचारा भी अपनाएं। हम सजग रहें अपने देश के प्रति। अपने देश में शांति, अमन और एकता बनाए रखने के प्रति हम जिम्मेवार हैं। जिम्मेवारी उठाने के कई फायदे हैं। जिम्मेवार स्वीकार करने से हम समझदार होते हैं। जिम्मेदारी स्वीकार करने से हमारी परिपक्वता भी बढ़ती है। जिम्मेवारी स्वीकार करने से हमें सफलता भी मिलती है। आंतरिक और बाहरी दोनों प्रकार का विकास भी होता है। लोग आपको पसंद करने लगते हैं। आप लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन जाते हैं। यदि आप गैर जिम्मेवार बनेंगे तो अपनी पहचान खो देंगे तथा लोग आपको गैर परवाह, लापरवाह कहने लगेंगे, बहानेबाज भी कहने लगेंगे। एक गैर जिम्मेवार व्यक्ति दूसरों को दोष देता रहता है, लोगों का विश्वास भी खो बैठता है, वह अपने जीवन में कुछ भी सीख नहीं सकता।
जिस भी काम में हाथ डालेगा वो हमेशा असफल ही रहता है। वे समाज देश के प्रति एक बड़ा बोझ के समान है। यदि हम जिम्मेवार हैं तो हम अपनी गलती को स्वीकार करेंगे और फिर आइंदा से उसे दूर करने का भी प्रयास करेंगे। तो हमें हर कार्य के प्रति जिम्मेवार होना है। तो आइए कुछ क्षण बैठते हैं अपने साथ और इस बात पर विचार करते हैं कि कैसे यह जिम्मेवारी हमारा एक गुण बन जाए, निजी संस्कार बन जाए। तो आप एक स्थान पर बैठ जाएं। कमल आसन पर विराजमान हो जाएं। लंबी गहरी सांस लें और छोड़ें। अब भीतर की ओर चलते हैं। अनुभव करें कि आप एक बहुत शक्तिशाली ऊर्जा है। आपके मस्तक पर बहुत ऊर्जा एकत्रित हो रही है और वो एक रोशनी की तरह, एक आभा मंडल की तरह आपके मस्तक के चारों ओर एक घेरा बना रही है। एक आभा मंडल बन रहा है। ये प्रकाश आपके पूरे शरीर में फैल रहा है। ध्यान को धीरे धीरे अपने मन की ओर ले जाए। अपने मन में एक विचार को क्रिएट करें। मेरी जिम्मेवारी क्या है? आपकी बुद्धि उत्तर देती है। अपने स्वास्थ्य के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपनी जॉब प्रोफेशन के प्रति, अपने समाज और अपने देश के प्रति, क्या मैं वो जिम्मेवारी पूरी तरह से निभा रहा हूं? स्वयं को स्वयं उत्तर दीजिए। यदि मैं वो जिम्मेवारी पूरी रीति ईमानदारी से निभाता हूं तो अपने आप को शाबाशी दे और ईश्वर का धन्यवाद करें कि उसने इतनी ताकत आप में भरी कि आप वो जिम्मेवारी को पूरी तरह से निभा पा रहे हैं। उस हर कार्य के प्रति जो आप सेवा भाव से करते हैं उसके लिए भगवान का धन्यवाद करें। ईश्वर का लाख लाख शुक्राना करें। यदि आपका मन कहीं अटक रहा है और ये कह रहा है कि आपने एक जिम्मेवारी पूरी नहीं की, उसे करना शेष है, तो आप मन में एक दृश्य क्रिएट करें कि आप अपनी जिम्मेवारी को पूरा कर रहे हो। आप जा रहे हो उस जगह पर उस जिम्मेवारी को पूरा करने के लिए और देखिए आपने परमात्मा की शक्ति से उस कार्य को पूरा कर लिया है। वो जिम्मेवारी पूरी करते ही आपके सिर से बोझ हट जाता है और आपको अनेकों की दुआएं मिलने लगती हैं। आप ये कर सकते हैं। आप में पूरा साहस
और हिम्मत है उस कार्य को करने के लिए। अपनी डायरी में 21 बार लिखें, मैं जिम्मेवार हूं, मैं जिम्मेवार हूं। ओम शांति, ओम शांति।